अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फारहान ख़ान और आप देख रहे हैं जेमस्टोन्स लवर। इस दफ़ा थोड़ी वीडियो लेट हो गई है। बहरहाल काफ़ी सारी रिंग्स हैं जिनके रिव्यूज़ और वीडियोस अभी रहती हैं, तो अभी होपफुली के दिन में दो तीन वीडियोस भी मैं अपलोड कर दूंगा। तो बग़ैर टाइम ज़ाय किए आते हैं रिंग की तरफ। तो इस वक्त मेरे हाथ में बहुत ही प्यारी सिल्वर की रिंग है, आप देख सकते हैं। इसके लिए जो ज्वेलरी का डिज़ाइन है ये अफ़गानिस्तान से, और ये अफ़गानी रिंग इसे कहते हैं, अफ़गानी ज्वेलरी कहते हैं। और इसमें ये आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही प्यारा अकीक लगा हुआ है। प्रीवियस काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया कि अकीक काफ़ी किस्म के होते हैं, और उनमें से ये अगर कैटेगराइज करें तो सलमानी अकीक है ये। बाकी थोड़ी बहुत रिंग की डिटेल देख लें, बहुत ही प्यारी रिंग बनी हुई है। अच्छा, ये हैंडमेड और जो कास्टिंग वाली रिंग है, काफ़ी सारे कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं, उनकी ये छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, इससे आपको पता चल जाता है कि ये हैंडमेड है या कास्टिंग वाली है। कास्टिंग की डिटेलिंग जो छोटी, यानी कि माइक्रो लेवल पे अगर जाके देखें ना, अब अगर ये देखें तो डॉट जो लगे हुए हैं ये सारे डॉट बराबर के हैं, गोल जो लगे हुए हैं। तो ये अगर कास्टिंग में होगी तो एक आध डॉट मिस हो जाता है, इसी तरह इस डिज़ाइन में भी कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। लेकिन ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल ही एग्जैक्ट और हाथ से बनाई गई रिंग है। और आते हैं कीक की तरफ, तो ये बहुत ही प्यारा कीक है और आपको पता चल रहा होगा ये काबतुल्ला की छवि है। और ये सलमानी कीक है, इसको कट इस तरह किया गया है कि इसमें पूरा आप देख सकते हैं कि हरम शरीफ बना हुआ है। और एक रिंग सेलर है रियाज जंग से, जो मेरी वीडियोस देखते हैं तो ज़्यादातर जानते होंगे, बल्कि जितने भी रिंग सेलर होते हैं ज़्यादातर जो होते हैं तो वो बड़ी कहानियाँ डालते हैं। तो उसके पास एक अकीक था जिसमें कि काबतुल्ला बना हुआ था, तो उसकी वो डिमांड पहले उसने कोई 1.25 करोड़ की है, उसके बाद 5 लाख पे आके ना वो कहता है कि 5 लाख से कम नहीं दूंगा। तो क्योंकि मुझे शौक़ है तो मैं किसी न किसी ज़रिए में उसको, यानी कि बोला कुछ पैसे ले लो, कुछ रिंग्स ले लो, वो मुझे दे दो, तो उसने नहीं दी। तो अचानक ही यानी कि मेरे सामने ये रिंग आई और ये पेशावर से मैंने ली है और कपल ऑफ 1000 रुपीज़ में ली है, यानी कि इतनी को महंगी भी नहीं मिली, और उससे ज़्यादा अच्छा बना हुआ है इसके अंदर, अगर आप देख सकते हैं तो इसके ज़्यादा अच्छा बना हुआ है काबतुल्ला। तो ये ज़्यादातर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, अगर आपको कोई फिरोज़ा पसंद आ जाए, मरजान पसंद आ जाए, कीक पसंद आ जाए, तो उसके ये जो दाम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने अब यही वो किया कि भाई चलें, शौक़ तो है मुझे, जो चीज़ मुझे यानी कि इकोनॉमिकल रेट में मिलेगी तो मैं वही परचेज़ करूँगा, अदरवाइज़ परचेज़ नहीं करना। बाद में अगर बंदा किसी को देना हो या किसी के साथ एक्सचेंज करना हो तो फिर मसला बनता है। इसको मैं आपको लाइट लगा के भी दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये बैक साइड से लाइट लगाई हुई है, ये ब्लैक साइड से बिल्कुल ओपेक है, और जो इसके अंदर जो हाशिया बना हुआ है यहाँ से सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो ये बहुत ही एक अच्छी इमेज प्रोवाइड करता है जी। तो आप मुझे बताइएगा आपको रिंग कैसी लगी है, स्टोन कैसा लगे है। और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं खुश होता हूँ कि अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करे और पूछे रिंग के हवाले से, क्योंकि मैंने अपनी शौक़ की शुरुआत में काफ़ी सारे पैसे ज़ाया किए हैं। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर पूछते भी हैं मुझसे कि ये किस तरह का स्टोन है, अच्छा है बुरा ये वो, उनको मैं फिर रिकमेंड कर देता हूँ। तो अगर किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी मेरा व्हाट्सएप भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने का, अल्लाह हाफिज़।